एक पुरानी कहावत है, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको ही साथ लेकर डूब जाएंगे। अब तक ज्यादा वक्त नहीं हुआ, दुनिया की सबसे महंगी फिल्म आदिपुरुष को थिएटर में रिलीज किया जाता है। सपने देखे थे हिस्ट्री बनाने के, लेकिन फिल्म ने हिस्ट्री को ही बदल दिया। खूब गालियां पड़ी, फिल्म का बिजनेस 3 दिन बाद ठप हो गया। बेइज्जती के लड्डू अलग से खाने पड़े। इन टोटल बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस फिल्म में लाख बुराइयां क्यों ना हो, एक काम बहुत ही बढ़िया कर दिया इसने, अपने सेंसर बोर्ड को नींद से जगा दिया। और इसी नींद से जागने का नतीजा अक्षय कुमार को झेलना पड़ेगा। प्रभास डूबे साथ में अक्षय कुमार भी डुबा दिया। इनकी कमबैक फिल्म OMG 2 कुछ घंटों पहले इनकी फिल्म पर कुछ लोग बैठकर इनके टीजर पे अपने विचार दे रहे थे, किसी को पसंद आया किसको मामला लगा। लेकिन एक बात बिल्कुल कॉमन थी कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। Part 1 से OMG 2 का कुछ न कुछ कहानी से मतलब होगा ऐसा देखने में लगा, ऐसे लोगों को लगता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव को धरती पे आना पड़ा। तब शायद किसी को पता भी नहीं था कि फिल्म की कहानी इतना बड़ा बवाल कर देगी, कि शायद फिल्म हमको कभी देखने को। जी हाँ, एक रिपोर्ट काफी वायरल हो रही है आजकल, जिसमें बोला जा रहा है कि OMG 2 फिल्म, जिसको सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया है, फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाएगा। वहां से अगर फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आगे फिल्म चलेगी, नहीं तो फिल्म को बंद किया जाएगा। अब मुद्दे की बात, सबको यही लग रहा हो कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्यों खारिज किया हुआ है।